सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो ये है मेरा बर्थडे पार्टी का लुक, जो कि मेरी मौसी की पोती का बर्थडे था और उसका वो 1 साल की हुई, तो फर्स्ट बर्थडे पे इतनी बड़ी पार्टी रखी हुई थी। ये मम्मी का लुक इस तरीके से है, हम दोनों जा रखे थे। और आज मेरी आवाज़ में थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप लोग आज के, ये तो हमेशा की ही दिक्कत है मेरी। तो जिस दिन मेरी तबीयत खराब के बाद ये पहली पार्टी थी जिसमें मैं घर से बाहर निकली थी, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाई वहाँ पर, या फिर बोल इसलिए नहीं पाई, मतलब नॉर्मल व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरे गले में दिक्कत थी। तो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी में हम लोगों को कुछ गेम्स खेलने को मिले, जो कि बहुत ही अच्छा था। मतलब रिश्तेदारों से मिलने की खुशी तो थी ही, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे अदर एक्टिविटी भी थी। मतलब और इसको गुब्बारा फोड़ने वाले ना, मतलब हम लोगों ने हमेशा पैसे दे के इसको फोड़ा है, और ये हम मेले में होता था लेकिन यहाँ पर भी था, तो बहुत अच्छा लगा। तो गाइस जीतने पर मुझे मिली है चॉकलेट, लेकिन इसे पूरी खा ली। चल आ जा, चलो करके दिखा दे, करके दिखा दे। सोच रहे बोलू यार, किंडर जॉय, किंडर जॉय, किंडर जॉय। ये मैं समझी मम्मी के दूसरे को भी बोल फोन के फोन के लिए जड़ी में तू आता भी तो पूरा अपना जेब हुई ना घर सूरज तो प्रॉपर फ़ोन पे ही लगा हुआ था। पता नहीं इसके दोस्तों के कितने फ़ोन आते रहते हैं, लेकिन मैंने तो पूरी पार्टी इंजॉय करी क्योंकि 1-2 महीने तक घर में रहने के बावजूद मेरे को बाहर जाने का मौका मिला था, तो मतलब मैंने सब चीज़ इंजॉय की। और ये मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट था। मतलब जब भी कोई चीज़ नहीं आती है रील्स में हम लोगों को देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद जब हम लोग वो चीज़ सामने देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है। मैंने हमेशा लोगों की वीडियोज़ देखी थी इस पर, ये घूमने वाला जो होता है, मुझे नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं, आपको पता होगा तो बता ना। तो ये मैंने देखा तो मुझे ये बहुत पसंद आया और इसमें मैंने वीडियो भी बनाई। यहाँ पे मेरा मुंह इसलिए बना है क्योंकि सूरज मेरे को बार बार बोल रहा था कि वीडियो बना, फोटो खींच मेरी। और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी, इतना खाना था। इसके बाद होने वाली थी इसी, ये जो ये गाड़ी है छोटी सी, इससे होने वाली थी बर्थडे गर्ल की एंट्री, और तब तक मैंने थोड़ा सा अपना इंजॉय कर लिया। थोड़ा बहुत म्यूज़िक इन्जॉय करने के बाद मैंने किया यहाँ पे अपना थोड़ा सा अपना व्लॉग शूट, जो कि मैं बीच बीच में कर ही रही थी, जो कि आदत भी टूटी हुई थी। यहाँ पे मम्मी, मामी जी और मेरी सबसे बड़ी मौसी की लड़की हैं, और लगता भी नहीं है कि दोनों जनरेशन एक साथ ही हैं। और यहाँ पे डेकोरेशन कुछ इस तरीके से था, बच्चे खेलने पर लगे हुए हैं, बच्चा अपना इन्जॉय करते रहता है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता किसी से, वो बिल्कुल नाचते ही रहते। और सब लोगों का अपना मिलाप होने पे लगा हुआ, सब लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पे जो आपको ये छोटा सा बच्चा हीरो दिखाई दे रहा है, ये है बर्थडे गर्ल का बड़ा भाई। और टीवी में सब कुछ चलने पे लगा हुआ है, जितनी भी सारी फ़ोटोज़ हैं। यहाँ पे मेरा थोड़ा थोड़ा फ़ोटोशूट सेशन चल ही रहा है। मतलब अपने आप को कैप्चर करना कभी नहीं भूलना, मतलब किसी दिन तैयार होकर जाओ तो चारों तरफ से अपने आप को बिल्कुल कैप्चर करते रहो, चाहे लोग कुछ भी कर रहे हैं, आपको खुद को सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और फाइनली होती है वो चीज़ जिसका हमें इंतज़ार था, बर्थडे गर्ल की एंट्री होती है इतने प्यारे तरीके से। और बर्थडे गर्ल सबसे पहले जाती है अपनी मम्मी पापा के पास, यहाँ पर जो भी हैं वो है मेरे भैया और भाभी। और स्टेज पे जो केक कटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे मेरी मौसी, मौसा जी, भैया, भाभी और सब लोग चारों तरफ से यहाँ पे देख रहे हैं। और मैं भी गुब्बारे फोड़ने पे लगी, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ करने आती है वो है गुब्बारे फोड़ने में, और सूरज भी मेरे साथ यही करने लग गया। और हम भी यहाँ रेडी हैं। केक कटिंग के बाद हम लोग आते हैं फूड सेक्शन में, जो कि होटल के अंदर ही था। तो मतलब बाहर पे तो केक कटिंग वगैरह हो रही थी और सारी पार्टी बाहर पे थी, लेकिन जो फूड सेक्शन था वो अंदर ही था, जो कि इस तरीके से है। सूरज मुझसे पहले यहाँ पे खाना खा रहा था, हम लोगों ने शुरुआत में ही खाना खा लिया था क्योंकि मैंने कहा कि एक बार खा लेती हूँ फिर डांस करूँगी, फिर पच जाएगा, फिर दोबारा भी खा लूँगी। खाने के मामले में हम ऐसे ही करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें थी, थोड़ा थोड़ा करके मैं टेस्ट कर रही थी। ये बर्थडे गर्ल का बड़ा भाई है, तो सामने कर रहे हैं मम्मी लोग डांस, हम लोग भी जा रहे हैं। मठु मठु गीत लो जन करे फिकरा।
हम लोग यहाँ पे खाना खाने पे लगे हुए थे थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन जो हमारी फैमिली के बड़े थे मतलब मामा जी और मामी जी लोग, उन्होंने लास्ट में खाना खाया। तो यहाँ पे सब लोग लास्ट में खाना खाने का सेशन चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे टाइम आता है कि जो भी घर के बच्चे शादी करने लायक हो गए, अब उनकी शादी की बात यहाँ पे चल रही है। इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, तो गाइस खत्म हो चुका है आज का प्रोग्राम और ये हम लोग बाहर आ रहे हैं। चलो एक मम्मी घंटी चल मजोड़े, बाय बाय। इसको भी निकालो, इसको भी निकालो, निकाल तो नहीं ले। तो चलो, गाड़ी तो आई नहीं। जब हम लोग आए थे तब तो बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, और अभी आने में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। मतलब अभी ट्रैफिक खत्म हो गया क्योंकि 11 बजने वाला है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। कैब बुक करी थी हमने, जल्दी से पहुँच गए। चल यार तुम चुपचाप। तो ये है होटल का फ्रंट व्यू और हम लोग कर देंगे बाय बाय। तो फाइनली हमारी कैब भी आ चुकी थी और रात को 11:30 या 12 बजे तक हम लोग वापस आ गए थे। वापस आते वक्त हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था। जिस टाइम पे हम गए थे 6 से 7 बजे, लोगों के बाहर आने का टाइम होता है घर से और ऑफिस का टाइम होता है, तो इसलिए टाइम लग जाता है। मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमको बहुत देर हो गई थी जाने में, लेकिन आते वक्त बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था। और ये मैं गुब्बारे लेके आई थी वहाँ से क्योंकि पैसे तो दे ही रखे थे। तो फिर देते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।